हेलो फ्रेंड, एमकेएस फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम नीट फिजिक्स 2022 के पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम बढ़ते हैं। द डायमेंशंस ML, T-2, A-2 बिलोंग टू द, अब ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से चार में से किसी एक ऑप्शन की डायमेंशन इससे मैच करती है। जैसे हम फर्स्ट की अगर डायमेंशन निकालते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की, तो हमारी निकल के आती है M-1, L-3, T-4, A-2, जो कि इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड की जो निकल के आती है मैग्नेटिक फ्लक्स की, ML2, T-2, A-1, तो ये भी नहीं है। फोर्थ देखते हैं मैग्नेटिक परमिटिविटी, तो ML, T-2, A-2, इसकी और ये डायमेंशन सेम है, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम। इन अ बाईडीएसी अ स्टूडेंट ऑब्जर्व एट फ्रिंजेस इन अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ स्क्रीन व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ कितना एमएम है, 600 nm वेवलेंथ इज यूज्ड इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज चेंज टू 400 nm द नंबर ऑफ फ्रिंजेज। हमें नंबर ऑफ फ्रिंजेज फाइंड करनी है 400 nm वेवलेंथ में, तो इसके लिए सीधा सा सिंपल फॉर्मूला है N1 F1 = N2 F2। तो N1 हमारा 28 है, F1 हमारा 600 nm है, N2 फाइंड करना है, F2 कितना है 400, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ 28 नहीं, सॉरी 8 है, तो 4 से इसे कैंसिल करेंगे तो कितने बार, 2 बार, तो 6 × 2 = 12, तो N2 हमारा 12 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन टू द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। तो हमें गायरेशन, जो गायरेशन रेडियस है उसमें रेशियो फाइंड करना है। जब हमारी एक्सिस क्या है, एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल, और सेकंड में क्या है, गायरेशन ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। कहने का मतलब उसकी एक्सिस है, जो एक्सिस की अबाउट गायरेशन, और जब डायमीटर है तो उसकी गायरेशन रेडियस का रेशियो में फाइंड करना है। तो हम देखते हैं सेंटर के अबाउट, ये डिस्क है तो इसके परपेंडिकुलर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है I = mr² / 2। अब इसके लिए गायरेशन के फॉर्म क्या बन जाएंगे, MK1² = mr² / 2, m से m कैंसिल, K1 = आ जाएगा r/√2। ऐसे ही डायमीटर के अबाउट निकालेंगे तो इसके अबाउट परपेंडिकुलर, तो mr² / 2 हो गया। अब ये डायमीटर होगा, ये दोनों एक्सिस उसके परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों के सम के इक्वल होगा I + I, तो यहाँ से 2i हो जाएगा। जब i फाइंड करेंगे तो mr² / 4 आ जाएगा, और i की जगह जब हम MK2² रखेंगे तो K2 = कितना हो जाएगा हमारा r/2। अब रेशियो फाइंड कर लो, K1 / K2 = r/√2, r/2, r से r कैंसिल, तो 2/√2, जब √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा √2, जो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस 1 mm हैज 100 टर्न्स/mm। अब ये 100 टर्न्स दे रखे, किस में देख रखे हैं, मिलीमीटर में, जबकि हमें मीटर में फाइंड करने हैं। इफ 1 ampere करंट फ्लो इन द सोलेनॉइड, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। हमारे पास ये 4 ऑप्शन के बने, तो यहाँ से देखिए नंबर ऑफ टर्न्स हमारे कितना हो जाए 100, ठीक है, पर mm में, तो N/L ये हो गया हमारा N/L 100 टर्न्स पर mm, फिर mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, अभी हम देखते हैं, और इसकी रेडियस कितनी है 1 mm, और करंट कितना फ्लो हो रहा है 1 ampere। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है, B = μ0 Ni/L, N/L हमें गिवन है 100 टर्न्स/mm, mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10^-3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 10^2 पहले से बैठा है, और 10^3 और आ जाएगा तो 10^ कितना हो जाएगा 5 टर्न्स/मीटर। तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है हमारी, 4π × 10^-7 N/L 10^5 current I, इट इज क्लियर। अब 4 × π की वैल्यू,
10 पावर माइनस 7 10 पावर 5 क्या बनेगा 10 पावर माइनस 2, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर माइनस 2 टेस्ला। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, माइनस 2 आ रहा था, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। थैंक यू फ्रेंड।